हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ रसोई। आज हम बनाएंगे आलू की चाट, और ये सेम आप स्वीट पोटैटो के साथ भी बना सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो उबले हुए, और इसको हाई फ्लेम पे हम इसको रोस्ट करेंगे। और ये इसमें ऑयल नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं। अगर आप डाइटिंग पे नहीं है तो आप इसमें ऑयल डाल सकते हो, नहीं तो बाद में डाल लेना ऑयल, मैं आपको बता दूंगी। हाई फ्लेम पे आपने इस तरीके से इसको रोस्ट करना है। देखिए ऐसे हो गया ना, रोस्ट हो रहा है, ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। इस तरीके से हमने इसमें करना है, देखिए बड़े अच्छे से हो गया। तो अभी हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो, डालेंगे हाफ टी स्पून, और चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टीस्पून। अभी हम यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा जल भी जाएगा तो इसकी ना स्मोकी स्मोकी सी स्मेल आएगी, अच्छी लगेगी। अभी हम कद्दूकस की हुई थोड़ी सी गाजर डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे इसको, और थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे। और अभी हम इसमें बॉल में निकाल लेंगे, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप किसी के साथ नहीं सर्व करना तो ऐसे भी अच्छा लगेगा। ऊपर से थोड़ा सा नींबू, हाफ नींबू डाल के, और थोड़ा सा आप ऊपर गाजर कद्दूकस की हुई डाल लो, थोड़ा सा धनिया डाल लो। अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे ना तिल है, वाइट तिल, वो डाल लो, ताकि हमारा बैलेंस बन जाए। वो आलू जो होते हैं वो हवा वाले होते हैं, तो तिल जो गर्म होते हैं बैलेंस हो जाता है। देखिए कितना अच्छा हमारा सैलड रेडी है, चाट रेडी है, सैलड भी बोल सकते हो, चाट भी। आप इसे खाइए, इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप चाहते हो तो इसमें खीरे भी काट के डाल सकते हो, पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आप इसमें मर्जी करो। इंजॉय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।